नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अनुभव प्राप्त हुआ है यह 64 योगिनी मंदिर मुरैना से संबंधित है और यहाँ पर कई सौ वर्ष पहले एक साधक के गुरु शिष्य परंपरा में एक गुरु द्वारा की गई साधना के भयानक अनुभव को एक साधक ने लिख करके भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस घटना के विषय में। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले तो आपको सहृदय मैं धन्यवाद कहता हूँ कि आप सनातन धर्म संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी वजह से बहुत सारे लोग हिंदू सनातन संस्कृति के रहस्यों को समझ पा रहे हैं। गुरुजी, मैं एक अनुभव आज आपको भेज रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो इसे अवश्य प्रकाशित कीजिएगा। कृपया मुझे और मेरी परंपरा को गोपनीय रखें। गुरुजी, यह 64 योगिनी मंदिर मुरैना से संबंधित बहुत पहले की घटना है, जब मेरी गुरु शिष्य परंपरा में कई सौ वर्ष पहले इस मंदिर में तांत्रिक के रूप में मेरे ही परंपरा के एक गुरु ने साधना की थी। तो उनके साथ क्या घटित हुआ था वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। गुरुजी, इस जगह को आप सर्च कर सकते हैं। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली नामक स्थान पर स्थित एक प्राचीन और भव्य मंदिर है। ग्वालियर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर भारत के 64 योगिनी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का वृत्ताकार आधार है जिसमें 64 कक्ष हैं। मध्य में एक खुला हुआ मंडप है। इस मंदिर को 1323 में बनाया गया था और उसके कम से कम 150 वर्ष बाद यहाँ पर एक तांत्रिक साधना हमारी ही परंपरा के एक गुरु ने की थी। तो गुरुजी, वह इस बात से प्रेरित होकर इस स्थान पर गए कि यहाँ माता के दिव्य 64 योगिनी शक्तियों का अगर पूजन किया जाए तो उनकी सिद्धि अवश्य प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर एक विशिष्ट प्रकार की योगिनी साधना के लिए वह यहाँ पर गए थे। तब उनके गुरु ने कहा कि पहले तुम 64 योगिनी देवी की पूजा अवश्य कर लेना और उन सभी देवियों का मंत्र भी पढ़ लेना। उन्होंने उन्हें 64 योगिनियों के नाम बताए थे, बहरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेताली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, भलुका, नारसिंघी, विरजा, विकताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्राह्मिनी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूरति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री,
वायु वीणा अघोर और भद्रकाली। इस प्रकार इन देवियों को पूजित करने का उन्होंने मार्ग बताया जो वहाँ पर स्थित हैं। वह रात्रि होते ही साधना के लिए बैठ गए और जैसे ही उन्होंने हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित की, उन्हें आकाश में कंपन महसूस हुआ। एक भयानक तरह की आवाज़ उन्हें आने लगी थी, क्योंकि वह यहाँ पर सिद्धि के लिए आए हुए थे। थोड़ी देर मंत्रों का जाप और हवन करते ही रहे कि वहाँ पर आधी मानव और आधी सर्प स्त्री प्रकट हो गईं और वह घिसट घिसट कर इनकी तरफ आने लगीं। धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रही थी। यह देखकर इन्हें भय लगने लगा और आकर इनके शरीर से चिपकने लगीं, इनके पसीने को चाटने लगीं। उससे डर और कामुकता दोनों पैदा हो रही थी। ऐसा अनुभव उनकी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था, लेकिन गुरु का सख्त निर्देश था, किसी भी अवस्था में आपको हवन कंप्लीट करना ही है, तभी सिद्धि मिलेगी। और अगर आपने साधना को बीच में छोड़ा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि यह देवी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव वाली हैं। इनमें दया नहीं है। इसलिए उन्होंने मंत्र जाप जारी रखा कि एक सर्प कन्या पतले और छोटे सांप में बदलकर इनके लिंग के चारों ओर लिपट गई। इससे इन्हें बहुत जोर की गुदगुदी हुई और डर भी लगा, लेकिन कांपते हुए शरीर और शरीर से बहते हुए पसीने के बीच भी इन्होंने अपना स्थान नहीं छोड़ा और जोर जोर से मंत्रों का जाप और हवन करते रहे कि तभी वहाँ पर एक भालू के मुख वाली स्त्री प्रकट हो गई और आकर इनके सामने तेजी से दौड़ने लगी। उसने उन सर्पों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर दिया और इनके भी अंदरूनी अंग पर अपने पंजे से मारा। वह सर्प कन्या निकल कर बाहर आ गई, लेकिन इनका गुप्त अंग घायल हो गया, उससे खून बहने लगा। लेकिन तब भी इन्होंने साधना नहीं छोड़ी। इनके चेहरे के पास आकर भयानक रूप से चिल्लाती हुई वह इन्हें खाने के लिए तत्पर थी, लेकिन फिर भी इन्होंने चाहे कुछ भी हो जाए यह साधना नहीं छोड़नी है, इस बात को आधार बनाकर साधना को नहीं छोड़ा। दर्द से उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह साधना करते ही जा रहे थे। उस भालू के रूप वाली स्त्री ने इनके ऊपर पेशाब कर दिया और वहाँ से चली गई। शरीर से बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी वह स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसा महापराक्रम उन गुरुजी ने दिखाया था। तभी वहाँ पर भयानक वराह के रूप में एक शक्ति आई और उसने दूर से ही हुंकार भरनी शुरू कर दी। अपने पैरों को पीछे की ओर रगड़ती हुई, जैसे अपने दोनों दांतों से इनकी छाती
फाड़ने के लिए दौड़ती हुई आ रही थी। इन्होंने कहा, जो इच्छा परमात्मा की। हे महादेव, अगर मेरी मृत्यु होनी है तो हो जाए, किंतु मैं इस मंत्र और हवन को नहीं रोकने वाला। और आती हुई वह जोर से इनकी छाती पर प्रहार करती है। प्रहार का दर्द इतना ज़्यादा होता है कि एक बार तो वह मंत्र ही बोलना भूल गए। छाती में उसके दांत बहुत तेज़ी से गड़ गए थे और तब उसने खींच कर उन्हें निकाला। तब ऐसा भयानक दृश्य हुआ कि वहाँ पर चारों तरफ भयानक काली आंधी चलने लगी। ऐसे दृश्य जिसमें कई आत्माएं एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर मार रही थीं। दिखने में वह दृश्य जैसे नरक का कोई दृश्य हो नज़र आ रहा था, किंतु उन गुरुजी ने तब भी साधना नहीं त्यागी और अतुल पराक्रम को दिखाया था कि तभी सामने एकदम से वातावरण बदल गया। उन्होंने एक भव्य और अति सुंदर स्त्री को सिंहासन पर बैठे हुए धरती पर आते हुए देखा, जो कि चंद्रमा के जैसे रंग वाली, बहुत ज़्यादा सुंदर, पूरी तरह चंद्रमा की किरणें जैसे उसके शरीर के प्रत्येक अंग में विराजित थीं। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। ऐसा रूप और स्वरूप इस ब्रह्मांड में कहीं देखने में नहीं आएगा। वह सिंहासन सहित नीचे उतर कर आ गई और अपने सिंहासन से उतर कर कहने लगी, आपकी साधना सफल हो गई है, अब आकर मुझसे विवाह कीजिए और साधना को संपूर्ण कीजिए। इस बात से मेरे गुरुदेव जब उसे देखे तो देखते ही रह गए। तो उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तो उस महासुंदरी देवी स्वरूप वाली कन्या ने कहा, आपने मुझे प्राप्त कर लिया है, इसलिए आइए और सबसे पहले मुझसे विवाह कीजिए। आज से आपकी सिद्धि के रूप में मैं मौजूद रहूंगी। तब उन्होंने उठकर पास में रखी हुई एक गुलाब के फूलों की माला उसके गले में डाल दी और तभी जैसे ही उस कन्या ने इन्हें गले लगाया, इनके अंदर बहुत तेज प्रकाश आ गया और तभी वहाँ का वातावरण एकदम से बदल गया। सामने बहुत सारी देवी इन्हें दिखाई दी। उन सभी देवी शक्तियों ने कहा, तुम्हारा पराक्रम बहुत उच्च कोटि का था, लेकिन आखिरकार तुमसे गलती हो ही गई। जब तक साधना पूर्ण नहीं हो जाती, तुमने इस यज्ञ को बीच में रोक दिया। यह कन्या हमारी माया थी, किंतु फिर भी हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें यह दिव्य अप्सरा सिद्ध रहेगी और तुम्हारे सारे कार्यों को करती रहेगी, किंतु हम तक पहुँचने की सामर्थ्य आखिरकार तुमने खो दी। तुमने भय को जीत लिया, यही इसका इनाम है, किंतु आखिरकार प्रेम सौंदर्य और काम शक्ति से पराजित हुए हो, इसलिए इस अप्सरा को धारण करो
यह तुमसे सदैव सिद्ध रहेगी। और उन्हें एक कड़ा दिया, वह कड़ा उन्होंने अपने बाएं हाथ में पहन लिया। उसी के अंदर वह दिव्य स्वरूप चांदनी के रंग वाली अप्सरा सदैव के लिए स्थित हो गई। जब भी वह उसे रगड़ते थे वह प्रकट हो जाती थी और उनके समस्त कार्यों को संपादित करती थी। लेकिन वह देवी के 64 योगिनी स्वरूपों को सिद्ध नहीं कर पाए। यह वास्तविक घटना है जो मैंने परंपरा के माध्यम से सुनी है। गुरुजी, इससे यह तो स्पष्ट होता है कि देवी शक्तियों को प्राप्त करने के कई चरण होते हैं और जब तक मूल लक्ष्य प्राप्त ना हो रुकना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज उन गुरु महाराज से यही गलती हो गई थी। यह स्थान आज भी सिद्ध है और अगर कोई यहाँ तांत्रिक साधना करता है तो वह अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। खास तौर से 64 योगिनी मंदिर मुरैना में गुप्त तरीके से की गई तांत्रिक साधना से आज भी यह जगह पूरी तरह जागृत है। तो गुरुजी, अगर भविष्य में कोई यहाँ साधना करना चाहे तो अवश्य ही उसे करनी चाहिए। अपने पत्र को विराम देता हूँ और आपके इस सराहनीय कार्य के लिए आपकी प्रशंसा और वंदना करता हूँ। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपने गुरु परंपरा के एक गुरु के जीवन की सत्य घटना को बताया है जो कि मुरैना के 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश की एक वास्तविक घटना है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।